पता तो है कोटा फैक्ट्री बन चुका है। पहले धीरे धीरे तराश कर बच्चों को काबिल बनाया जाता था, वहाँ मास प्रोडक्शन लग गई। देखो यार, आज का दिन ना फैंस के लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला, क्योंकि एक तरफ जो है मिर्जापुर के पार्ट नंबर 3 का जो टीजर है वो हमारे सामने निकल के आ चुका है, और दूसरी तरफ जो है नेटफ्लिक्स ने जो है कोटा फैक्ट्री के पार्ट नंबर 3 का ट्रेलर हमारे सामने रख दिया है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग इसके ट्रेलर के बारे में ही डिस्कस करने वाले हैं, किस तरीके से बन के निकला है, किस बारे में ये होने वाला है, आपको सब कुछ जानने को मिलेगा। बट बिफोर दैट, हाई एवरीवन, वेलकम टू सिनेमा हाइलाइट 33। तो आप लोगों का फिर से एक और नए रिव्यू एपिसोड में स्वागत है। विद दैट बीइंग सेड, चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं और देखो बात करते हैं, जितना इसके ट्रेलर को देख के समझ में आ रहा है कि अब की बार एक बार फिर से जो है, जैसे इसके पार्ट नंबर 2 के अंदर स्टोरी मेनली जीतू भैया के ऊपर फोकस करने वाली थी, कि जीतू भैया जो है, जो उनकी पर्सनल लाइफ है, वो यहाँ पे काफी हद तक ऑडियंस के सामने आने वाली है। साथ में आपको देखने को मिलने वाला है कि कोटा जो है किस तरीके से कोटा फैक्ट्री बन गया है, क्या जो है डार्क बिजनेस चल रहा है, किस तरीके से सिर्फ रैंक के पीछे सारे के सारे लोग भाग रहे हैं, जिनको बड़े बड़े इंस्टीट्यूट जो है वो रैंकर्स की तरह देख रहे हैं, वो अभी भी छोटे जो है बच्चे ही हैं, जो अपनी टीनेज के अंदर उनके मन के ऊपर क्या बीत रही है, कैसे उसकी लाइफ में इस उम्र में जो पड़ाव होता है जिसमें उसको सोशलाइज होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, कैसे बच्चे जो है उनसे पूरे तरीके से कट जाते हैं। साथ में एक तरह आपको देखने को मिलने वाला है कि जो बच्चे हैं उनके एडवांस का पेपर होने वाला है। तो इन सब के बीच में स्टोरी किस तरीके से आगे प्रोग्रेस करती है, विद लॉट ऑफ इमोशंस, विद लॉट ऑफ आई वुड से मोमेंट्स, विद लॉट ऑफ जिस तरीके से आपको कमाल के डायलॉग्स यहाँ सुनने को मिल रहे हैं, जिसके लिए टीवी का कोई भी शो जाना जाता है, तो ये तो फिर भी कोटा फैक्ट्री का पार्ट नंबर 3 है। उसके लिए आपको और मेरे को जो है 20 जून तक का वेट करना पड़ेगा, जब आपको इसका पार्ट नंबर 3 नेटफ्लिक्स पे देखने को मिल जाएगा। और अगर मेरे को आपके सामने इसके ट्रेलर का रिव्यू सिर्फ एक लाइन में कर रहा हूँ, तो मैं इतना बोल सकता हूँ कि इसको लेके जो फैंस की एक्सपेक्टेशन है वो काफी हद तक जो है ये सेटिस्फाई करने वाला है। तो एक एक करके जल्दी से बात करते हैं इस ट्रेलर के हाइलाइट्स के बारे में। पहला होने वाला है इसकी कास्टिंग के बारे में, जीतू भैया जो है वो मेजर रोल में आने वाले, चाहे आप बात करो साथ में मयूर मोरे के बारे में, एहसास छन्ना के बारे में, या आप बात करो मीना के कैरेक्टर के बारे में, और जिस तरीके से नई कास्ट यहाँ पे डाली गई है तिलोत्तमा शोमे के रूप में, जितनी कमाल की वो एक्ट्रेस है, धमाका होने वाला है। तो कास्टिंग का जो लेवल है वो एक नेक्स्ट लेवल पे जा चुका है। साथ में बात करें जिस तरीके से आपको यहाँ पे कमाल के मोमेंट्स देखने को मिल रहे हैं, चाहे आप बात करो स्टार्टिंग वाले सीन के बारे में, या आप बात करो जिस तरीके से आपको एंडिंग का जो एक इम्पैक्टफुल डायलॉग जो है मीना के थ्रू सुनने को मिलता है, या एक बड़ा कमाल का क्वेश्चन कि जीतू सर क्यों नहीं, जीतू भैया ही क्यों, उसका जो आंसर दिया गया है वो मुझे कमाल लगा। और इस तरीके के मोमेंट्स और भी आपको इस शो के अंदर देखने को मिलने वाले हैं। और देखो जहां तक बात रही कोटा फैक्ट्री के बारे में, तो मैं लिटरली सिर्फ इतना बोल सकता हूँ कि इस शो का सिर्फ नाम काफी है कि ऑडियंस को ही अपनी तरफ खींच लेगा। बस मैं इतनी सी बात चाह रहा हूँ कि जो इसका पार्ट नंबर 3 है वो इतने कमाल तरीके से एंड हो और हमको इस शो का एक कमाल का कंक्लूजन देखने को मिले, कि हमको इसके पार्ट नंबर 4 का आगे वेट ना करना पड़े, क्योंकि इसको स्ट्रेच करने का कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि एडवांस का पेपर आ गया है और उसके बाद आप कोटा फैक्ट्री के अंदर क्या ही चीज दिखा लोगे। तो जो एक सेंस बनती है कि अच्छे वाले शो को आप बिना मतलब स्ट्रेच करे खराब मत करो, इसके पार्ट नंबर 3 में कंक्लूड करो, ऑडियंस का प्यार इसको इतना मिलने वाला है कि जिसकी कोई हद नहीं। तो मेरे को पर्सनली जो इसका ट्रेलर है वो अच्छा लगा है, देखते हैं किस तरीके से कहां की तरफ आगे स्टोरी प्रोग्रेस करती है, लेकिन फर्स्ट इंप्रेशन वाइज इट्स लुकिंग एब्सोल्युटली फाइन, देखते हैं किस तरीके से बन के निकलता है। बाकी आपके इसके ऊपर क्या थॉट्स है नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन करना मत भूलना। अगर आप लोगों ने इस वीडियो का तक देखा और आपको पसंद आई है, तो आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस वीडियो छोटा सा लाइक कर दो, और ऐसी और वीडियोस को देखते रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मैं ऐसी वीडियोस को लाता रहता हूँ। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मैं आप लोगों से मिलूंगा एक नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, लव यू एंड टेक केयर, एंड कीप वॉचिंग सिनेमा हाइलाइट 33।